हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आयवेल में। दोस्तों, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, इसके लाभ क्या है, ये सब पढ़ लिया था। यदि आपने उसको नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर उसको देख सकती है, ठीक है। तो आइए आप समझते हैं हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। तो मान लेते हैं ये रासायनिक समीकरण है कोई, ठीक है। जैसे H2 और O2 आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है H2O। क्या बनता है? H2O, ठीक है। अब ये H2O कैसे बना, उसके लिए मैंने आपको सूत्र को बनाना बताया था, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पर H और O क्रिया कर रहे हैं, H और O क्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना, H और O। तो जब हमें पता है जब ये क्रिया करते हैं तो H पर क्या होता है, 1 प्लस होता है, और इस पर क्या होता है, 2 माइनस होता है। जब ये सूत्र बनाते हैं तो इनका जो नंबर होता है या संख्या होती है, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इधर आता है और ये इधर आता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, ये इधर आएगा तो 2H2 और ये O, बन का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो ये क्या बन गया, H2O। तो इस टाइप से ये बनता है, ठीक है। तो ये H2O बना, ठीक है। तो अब ये H2O बन गया, अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना है हमें। अब संतुलन का मतलब समझो पहले। संतुलन का मतलब ये होता है कि जो एरो होता है उस एरो के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को समान करना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, ठीक है। देखो इधर, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O1 है ना। अब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, H तो समान है लेकिन O समान नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको समान करना है, ठीक है। अब समान करने के लिए आप क्या करेंगे उसको समझो जरा, ठीक है। अब यहाँ पर O2 है और यहाँ पर O कितना है, 1 है। अब हमें O को 2 बनाना है, O को क्या बनाना है, 2 बनाना है, ठीक है। तो O को 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि आपको O को 2 बनाना है तो कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ 2 गुणा कर दो, यहाँ 2 का गुणा कर दो तो 2 मतलब ये O2 बन जाएंगे, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। यहाँ तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है आपको उसके आगे करना है, जो भी हमारा परमाणु है उसके आगे करना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी करना है वो करो, ठीक है। तो यहाँ पर O2 बनाना है, यहाँ पर O1 है तो हमें 2 बनाना है, तो हमने यहाँ 2 का गुणा कर दिया। तो अब हमने देखा कि O हमारे 2 हो गए। अब ऐसा करने पर हमने देखा कि O तो हमारे 2 हो गए लेकिन H अब हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। क्यों? क्योंकि 2 ये है और ये 2 है, तो मतलब 2 का 2 में गुणा होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब H कितने हो गए हमारे, 4। अब यहाँ पर H कितने हैं, 2 ही हैं, तो हमें इन H को क्या बनाना है, 4 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तो हम गुणा करेंगे नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं करेंगे हम 2 हटा के 4 कर दें, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बना, इसको 4 बनाना है, तो आप क्या करोगे, 2 का यहाँ गुणा कर दोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब H 4 हो गए, O कितने हैं, 2, तो O यहाँ पर 2 है। ये हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। ये पहले किस रूप में था, H2 और O2, ठीक है। और क्या बन रहा था, H2 पहले इस रूप में था, ठीक है। अभी हमने संतुलित कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार जैसे हम दूसरा समीकरण उठाते हैं, जब N2 और H2 आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ये आपको बताना, ठीक है। तो अभी कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो तो आप बता दोगे, कैसे आप बताओ, बोलोगे कि सर ये N है और ये H है, N पर 3 माइनस होता है, H पर 1 प्लस होता है, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये बन जाएगा NH3, और NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। तो जब ये आपस में क्रिया कर जाएंगे तो बन जाएगा NH3 मतलब अमोनिया, क्या बन जाएगा, अमोनिया। अब ये इस समीकरण जो बना है इसको हमें संतुलित करना है, क्या करना है, संतुलित, ठीक है। तो आप कीजिए, ये क्या है, अमोनिया है, पहले तो ये लिख लो आप, क्या है, अमोनिया, ठीक है। ये क्या है, जल है, ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। अब इसको हमें संतुलित करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसलिए हमारा क्वेश्चन मान लेते हैं और यहाँ पर हम इसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पर N कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर N कितना है, 1 है।
हमें एन को कितना करना है, दो करना है। तो सबसे पहले हम इसको दो करेंगे तो हम इसमें कितने का गुणा कर देंगे, दो का गुणा करेंगे, तो एन हमारे कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, अब एन तो हमारे दो हो गए, अब एच इस तरफ कितने हैं, दो है। अब एच इस तरफ कितने हैं वो देखो, देखो तीन तो ये है, अब तीन का इस दो में गुणा करेंगे तो तीन दूनी कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अब हमारे कितने हो गए, छह। अब यहाँ पर छह है और यहाँ पर कितने हैं, दो है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर छह कर रहा है, अब छह करना है तो क्या करें, तो छह करना है तो ये दो तो है, अब दो का कितने में गुणा करें कि छह हो जाए तीन में, तो आप क्या कर दो, यहाँ पर तीन का गुणा कर दो, तो तीन दूनी कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। जैसे मान लिया ये लिखा है KClO3, ये KClO3 लिखा है, ये हमारा पोटेशियम क्लोरेट है। क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। अब ये पोटेशियम क्लोरेट है, ध्यान रखना ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट। ठीक है, अब इस पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करें, अब इसको गर्म करेंगे तो ये टूट जाता है KCl में और O2 में। ठीक है, KCl में और O2 में टूट जाता है। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करना है, इसको हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो संतुलित करना है तो आप इसको चेक करो कि इस तरफ K कितना है, एक है, तो इस तरफ K कितना है, एक है, कोई दिक्कत नहीं, कि हमारा संतुलित है। अब Cl इधर कितने हैं, एक है, इधर भी कितना है, एक है, तो हमारा Cl भी क्या है, संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो आप O कितने हैं, तीन है, और यहाँ पर O कितने हैं, दो है। तो मतलब इसका ये है कि जो हमारा O है वो संतुलित नहीं, हमारा जो O है वो संतुलित नहीं है, तो O को हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको यहाँ लिख लो KClO3, इसको हमने गर्म किया तो क्या बना, KCl और ये O2। ठीक है, इसको संतुलित करना है। ठीक, तो K और Cl हमारा संतुलित है, हमारा केवल क्या नहीं है, संतुलित O। ठीक है, अब O को हमें क्या बनाना है, तीन बनाना है। ठीक है, यहाँ पर दो हैं तो तीन बनाओ, एक का गुणा करोगे तो कोई दो मतलब नहीं निकलेगा, दो ही रहेंगे। अब दो का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दो का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीन तो ये हो नहीं रहा, तीन तो हो नहीं रहा, एक का गुणा करेंगे तो ये दो ही रहेगा, दो का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, चार हो गया। अब यहाँ चार हो गया और यहाँ पर कितना है, तीन, तो इसको चार बनाओ। अब इसको चार बनाओगे तो इसको चार बनाओगे तो एक का गुणा करेंगे तो ये तीन ही रहेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो आप दो का गुणा कर दो। तो दो का गुणा करेंगे तो यहाँ पर तीन दूनी कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा, ओ कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। ठीक है, चार तो ये बन नहीं सकता, तो कितना हो गया, छह हो गया। ठीक है, अब ये छह हो गया, ओ कितना हो गया, छह हो गया, तो इस ओ को दो में दो हटा दो और इस ओ को आप छह बनाओ, तो छह तो ये बन जाएगा, कितने से, जब हम तीन से गुणा कर देंगे तो ये छह बन जाएगा, तो ये बन गया छह। ठीक है, तो आया समझ में, ओ हमारे कितने हो गए, छह, इस तरह भी छह है। लेकिन जो K और Cl है उसकी स्थिति बदल गई, K आप कितने हो गए, दो हो गए, और Cl भी कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, तो हमें दो K और दो Cl बनाना है, तो कुछ नहीं बना देंगे, यहाँ पर हम दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो K और दो Cl बन जाएगा। ठीक है, अब देखो दो K है, दो K है, दो Cl है, दो Cl है, छह O है, छह O है, अब ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आइए हम और देखते हैं, चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा समीकरण है, जैसे ये CH4 है, इस CH4 को आपको ध्यान रखना है, मैथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैथेन। अब ये CH4 यदि O2 से क्रिया कर जाए, किससे क्रिया कर जाए, O2 से, जब ये O2 से क्रिया करेगा तो ये क्या होगा, आप देखो यहाँ पर यो ये C से क्रिया करेगा तो बन जाएगा CO2, और जब ये O H से क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, H2O। ठीक है, तो अब हमें इसको देखना है ये संतुलित है कि नहीं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर C कितना है, एक है, तो C यहाँ पर कितना है, एक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। ठीक है, अब H यहाँ पर कितना है, चार है, अब H यहाँ पर कितना है, दो है, तो H बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर चार है तो हमें यहाँ पर भी कितना करना है, चार करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब दो का इसमें गुणा कर देंगे तो चार हो जाएगा। ठीक है, H हमारा कितना हो गया, चार हो गया। ठीक है, अब O का देखो, अब O यहाँ पर कितने हैं, दो हैं, यहाँ पर O कितने हैं, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, तो H O यहाँ पर कितने हैं,
चार, और यहाँ पर कितने हैं दो, तो यहाँ पर हमें ओ कितने करने हैं चार करने हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम चार कर लेंगे, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, दो का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा चार हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा सी है, सी एच फोर ओ टू, और ये सी ओ टू, और ये एच टू, ये हमारा कॉन्स्टेंट था और ये हमने कर दिया इसको बैलेंस, ठीक है। इसके बाद हम कोई दूसरा समीकरण उठाते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारा है सी यू एच टू एस ओ फोर से क्रिया कर रहा है, ठीक है, क्या जो सी यू है वो एच टू एस ओ फोर से क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो जब ये सी यू एच टू एस ओ फोर से क्रिया करेगा तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्राप्त हो जाएगा, H2O प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा H2O, और इसके बाद यहाँ पर हमें SO2 प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है SO2, ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाता है। अब ये समीकरण संतुलित है कि नहीं, अब हमें ये बताना है, तो आप समझिए, आप इसको देखिए क्या ये समीकरण संतुलित है, तो देखिएगा, ठीक है। Cu इधर पे कितना है एक, तो यहाँ पर भी Cu कितना है एक, ओके। अब H यहाँ पर कितने हैं दो, तो H यहाँ पर कितने हैं दो हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब S यहाँ पर कितने हैं एक, और यहाँ पर S कितने हैं एक, ये है और एक ये, तो S यहाँ पर कितने हैं दो, तो हमें S कितने करने हैं, जो S है यहाँ पर दो है, यहाँ पर कितना है एक है, तो हमें यहाँ पर S कितने करने हैं दो करने हैं, तो दो करने हैं तो आप यहाँ दो का गुणा कर दो, तो ये दो हो गए। अब H तो हमारे दो हो गए, यहाँ पर भी दो है, लेकिन H है वो बिगड़ गया, अब H कितना हो गया यहाँ पर चार हो गया, कितना हो गया चार, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर चार कर दो, यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कर दो, ये चार हो गया, ये कितना हो गया चार हो गया। इसके बाद आप ये देखो, अब S हमारा हो गया, H हो गया, अब O चार दूनी कितना है आठ है, ठीक है, तो O इधर पे कितना है देखो चार और दो ये छह और दे दो आठ, तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया, ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया, इसमें सभी परमाणु संतुलित हो गए, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं Cu H2SO4 एरो CuSO4 यहाँ पर H2O और यहाँ पर SO2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने इसको बैलेंस कर दिया। इसके बाद हम कोई अगला देखते हैं, और अगला है हमारा फेरिक ऑक्साइड। जब हम फेरिक ऑक्साइड की H2O से क्रिया कराते हैं, किससे H2 से, केवल H2 से मान लेते हैं, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है, सातवां हमारा एग्जांपल है Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये यदि H2 से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है H2 से क्रिया करता है, तो इसमें केवल और केवल जो Fe है वो बाहर निकल जाता है और बन जाता है इसमें क्या H2O, क्या बन जाता है H2O। अब आप इसको देखो ये बैलेंस है कि नहीं, तो देखो यहाँ पर अब Fe यहाँ पर कितने हैं दो हैं, अब यहाँ Fe कितना है एक है, इसको हमें कितना करना है दो करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया दो, ठीक है। अब O यहाँ पर कितने हैं तीन हैं, और यहाँ पर O कितने हैं एक ही है, तो हमें O को कितना करना है तीन करना है, तो यहाँ पर तीन का मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएंगे, ठीक है। अब H यहाँ पर कितने हैं दो, यहाँ पर तीन दूनी कितने हैं छः, तो हमें H कितने करने हैं छः करने हैं, तो हम यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे तीन का, तो हमारा छः हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था Fe2O3, ये H2 से इसने क्रिया की और क्या बना Fe और H2O बना, ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद हम और देखते हैं, तो देखते हैं अगला है हमारा ये C2 और ये H2 है, ये C2 और H2 को हम बोलते हैं एथाइन, क्या बोलते हैं एथाइन, ठीक है। अभी एथाइन की यदि हम O2 से क्रिया करा दें, तो O2 से क्रिया कराएंगे तो ये O एक बार इससे क्रिया करेगा C से, तो बन जाएगा CO2, ठीक है। अब ये O एक बार H से क्रिया करेगा तो बन जाएगा H2O। आपको जब भी ध्यान रखना है, कभी भी C और O2 क्रिया करेंगे तो हमेशा CO2 बनेगा, और H और O क्रिया करेंगे तो हमेशा बनेगा H2O, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं, ठीक है, अब ये हमारा बन गया, ठीक है। अब हमें इसको संतुलित करना है कि ये संतुलित है या नहीं, नहीं है तो संतुलित करने के लिए हमें
क्या करना होगा, ठीक है। तो समझो इधर पे, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमें अब आंसर बनाना है, इसको संतुलित करना है, ठीक है। तो देखो सी यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर सी कितना है, एक, तो सी को हमें कितना करना है, दो, तो इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दो। अब ओ यहाँ, सॉरी, एच यहाँ पर कितने हैं, दो, यहाँ पर एच कितने हैं, दो, कोई दिक्कत नहीं, ओ हमारा, सॉरी, एच हमारा संतुलित है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर ओ कितना है, दो है, और यहाँ पर कितना है, दो दूनी चार और एक कितना है, पांच, यहाँ पर कितना है, पांच है, तो हमें यहाँ पर कितने हैं, दो, और यहाँ पर कितने हैं, पांच, तो हमें यहाँ पर कितने बनाने हैं, पांच बनाने हैं। तो क्या पांच बन सकते हैं यहाँ पर, आप सोचो, नहीं बन सकते ना। यदि हम दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो चार हो जाएंगे, और तीन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, छह हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये छह हो गए, यहाँ पर कितने हैं, चार, अब यहाँ पर हमें कितने बनाने हैं, यहाँ पर छह हो गए ना, चार ये हो गए, अब दो और लेके आने तो छह बन जाएंगे, तो आप इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, छह हो गया। ओ भी हमारा यहाँ पर कितना हो गया, छह। तो अब हमारा ओ तो छह हो गया, लेकिन सी बिगड़ गया ना, सी कितना हो गया यहाँ पर, दो हो गया। अब सी यहाँ पर दो हो गया, सी यहाँ पर कितना हो गया, दो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद एच हमारा कितना हो गया, यहाँ पर चार हो गया, कितना हो गया, चार हो गया। तो यहाँ पर एच कितने हैं, दो हैं, तो हमें एच को कितना बनाना है, चार, तो इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दिया, चार बन गया। अब ये तो हमारा चार बन गया, लेकिन सी कितना हो गया, यहाँ पर चार हो गया, सी कितना हो गया, चार हो गया। अब सी को चार करने के लिए यहाँ पर हम चार का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया सी चार। अब सी हमारा चार हो गया, तो जो ओ है वो कितना हो गया, चार दूनी आठ, और दो कितना हो गया, दस हो गया, ठीक है, दस हो गया। तो यहाँ पर आप कितने से, तीन से नहीं, कितने से कर दो, पांच से मल्टीप्लाई, तो पांच दूनी क्या हो गया, दस हो गया, ठीक है। अब आप देखो सी कितना है, दो दूनी चार, तो यहाँ पर चार है। एच कितना है, दो दूनी चार, तो यहाँ पर चार है। ओ कितना है, पांच दूनी दस, तो चार दूनी आठ और दो दस, ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम और देख लेते हैं, जैसे हमारा लास्ट है, ठीक है, ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम यदि जल से क्रिया करे, कैल्शियम यदि जल से क्रिया करे, तो ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझो यहाँ पर, जब कैल्शियम जल से क्रिया करता है तो जो जल है ना वो एच प्लस और ओ एच माइनस में टूटता है। हमेशा याद रखना कि जो जल है वो एच प्लस और ओ एच माइनस में टूटता है, ठीक है। अब ये सी ए क्या है, टू प्लस होता है, ठीक है, तो ये सी ए टू प्लस ओ एच माइनस से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, आप बताओ, सी ए ओ एच का ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये तो बनेगा ही, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बनाना बताया, ठीक है, सी ए टू प्लस और ओ एच माइनस वन माइनस, ठीक है, तो ये बन इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। तो सी ए ओ एच का क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हो, ठीक है, ये बन गया। अब बचा क्या, एच, अब एच अकेला तो रहेगा नहीं, है ना, तो एच अकेला नहीं रहेगा, तो एच क्या बना लेगा, एच टू, क्या बना लेगा, एच टू, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है, तो एक बार हम इधर लिख लेंगे इसको, ये सी ए, ये ओ एच का हाइड्रोक्साइड, और ये बन गया एच टू, ठीक है। अब आप देखो सी ए यहाँ पर कितना है, एक, यहाँ पर सी ए कितना है, एक, ठीक है, एच यहाँ पर कितना है, दो, यहाँ पर कितना है, देखो दो, यहाँ पर हॉल दो है ना हॉल ब्रैकेट के बाहर, तो ओ कितना, एच कितना है, दो, और दो इधर ये है चार, तो ओ हमारा, सॉरी, एच हमारा कितना हो गया, चार हो गया, यहाँ पर कितना है, दो, तो यहाँ पर चार कर दो, यहाँ दो को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ओ एच हमारा कितना हो गया, यहाँ पर चार। अब ओ कितना है, यहाँ पर दो है, अब यहाँ पर देखो कितना है, दो, कितना है, दो ही है ना, देखो हॉल बाहर कितना, दो लगा है, तो ओ कितना है, दो ही है, ठीक है, तो सी ए एक हो गया, एच हमारे चार हो गए, ओ हमारे कितने हो गए, दो हो गए, मतलब ये हमारा बैलेंस। तो इस प्रकार से हमें कोई भी समीकरण मिल जाए, किसी भी समीकरण को हमें संतुलित करना हो, तो इस प्रकार से हम उस समीकरण को संतुलित करना कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा हो या छोटा हो, थोड़ा सा आपको समय लगेगा, सबसे पहले आप स्टार्टिंग में इसको संतुलित करें तो पेंसिल से करें, पेंसिल से करोगे आप, थोड़ा सा इधर उधर पॉइंट होता है, तो उसको हम रेजर से हिसाब भी कर सकते हैं, और जैसे ही हमारा सही आ जाएगा नंबर, तो फिर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और एक दिन मैं इनको संतुलित करने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ठीक है, तो पहले आप इसको सीख लीजिए, क्योंकि हमें पूरा आना चाहिए, इसके बाद हम ट्रिक करते हैं तो उसमें मजा आता है, ठीक है, तो
यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।